सुरक्षा का गुहार कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, हमको रंगदारी भी मांगा इसके पहले, उसके बाद मेरे भाई को हमेशा मारने का धमकी देता था। सरकार अगर सुरक्षा देती तो हमको कुछ नहीं, हमको तो पिस्टल तक का लाइसेंस तक नहीं दिया। 100 बार हम कम से कम अप्लाई किए होंगे। थाना इंचार्ज बोले कि दीघा थाना का कि आप पर जान माल का जान का खतरा है, आप जो है सतर्क रहिएगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के कुर्जी मोर के पास कल गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा पटना गूंज उठा। देखिए, पार्षद पति नीलेश मुखिया जो काफ़ी पुराने समय से कुर्जी के निवासी हैं, उनको अपराधी बीच सड़क पर निशाना बनाते हैं। स्थिति गंभीर है, हमारे साथ बात करने के लिए उनके अपने भाई हैं, सुरेश जी हैं। स्थिति अभी कैसी है नीलेश मुखिया? अभी बेहोश हैं और गोली सारा निकाल लिया गया है। गोली सारा निकाल लिया गया। कितनी गोली लगी थी उनके? 7 गोली लगी। 7 गोली लगी। पुलिस क्या बोल रही है अब तो? पुलिस सीसीटीवी फुटेज, पुलिस सीसीटीवी कैमरा से जो है ना कि जांच कर रही है और लगभग वो अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, क्या कि बहुत सा कैमरा लगा हुआ है जो स्पष्ट नज़र आ रहा है। अच्छा। हम लोग के पास भी उसका कैमरा का ही है फुटेज, आप जहाँ तहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो इसमें तो अपराधी जो भी किया वो साफ 100% जो है पकड़ाने का चांस है, क्योंकि उसका शकल भी नज़र आएगा सीसीटीवी कैमरा में। विभिन्न जगह रुकते आया है और रेकिंग किया है पूरा बहुत देर तक। बहुत देर तक? हाँ, मेरे घर के से रेकिंग किया है, मेरे घर के पास कम से कम 1 घंटा वो समय व्यतीत किया है। मतलब सब दिखाई दे रहा है साफ साफ? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है। किसी पे कोई शक वगैरह कुछ ऐसा? शक है मेरे प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है ना, वो जो है ना कि वही लोग का काम है। उम्मीद है कि पुलिस जल्दी आप लोगों को न्याय दिलवा दे। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटना हो रही है, लगातार मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, इनको निशाना बनाया। हमारा भाई जो है ना विगत 6-7 बरस से सुरक्षा के लिए, गार्ड के लिए बराबर जो है ना बिहार सरकार में लिखते आई है, राइफल का लाइसेंस के लिए भी DM के यहाँ फाइनल स्टेज में पहुँचा हुआ था, आज तक उसका लाइसेंस हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। और सुरक्षा के लिए एक नहीं, हम 5-5, 10-10 लेटर हम दे चुके हैं सब जगह। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार सिन्हा जो BJP के हैं, वो अभी ले गए हैं, वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे वो। और मैंने सुरक्षा का गुहार कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, हमको रंगदारी भी मांगा इसके पहले, उसके बाद मेरे भाई को हमेशा मारने का धमकी देता था, समझे ना। मतलब लगता है कि पुलिस की नाकामी की वजह से और सरकार अगर अनदेखा की इसी वजह से? हाँ, एकदम। सरकार अगर सुरक्षा देती तो हमको कुछ नहीं, हमको तो पिस्टल तक का लाइसेंस तक नहीं दिया। 100 बार हम कम से कम अप्लाई किए होंगे, अप्लाई मेरा फाइनल स्टेज में चल गया और आज तक नहीं मिला, जिसका थाना में लिख के अभी हाल फिलहाल दिया गया। थाना इंचार्ज बोले कि दीघा थाना का कि आप पर जान माल का जान का खतरा है, आप जो है सतर्क रहिएगा। ये आवेदन भी दिया है, सनहा लिखाया है कुछ दिन पहले, उसके बाद भी जो है ना कि मतलब ये होने के पहले उनको सतर्क है? हाँ, सतर्क किया। हाँ, थाना को मालूम है, फिर भी ऐसा? हाँ हाँ, फिर भी ऐसा हुआ। दीघा थाना का मालूम है, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम लोग फिर दोबारा एप्लीकेशन बढ़ाए। हाँ। जाके भेंट किए, जाके वहाँ सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? सीसीटीवी में 4 आदमी हैं, 2 मोटरसाइकिल से। तो देखिए, ऐसे तो मेरे घर के पास 2 कार है, उसका आप जाँच इंस्पेक्टर से बोलेंगे करेंगे। घर के बाहर जो कटान वहाँ 2 कार, एक स्कॉर्पियो, एक गाड़ी लगा हुआ, आखिर किसका गाड़ी था पहले से लगा हुआ, वो भी शक के घेरे में। हाँ, लग रहा है हमको अभी जो हम देखे हैं। नीतीश तेजस्वी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए बिहार पुलिस से? अपराधी का जो है ना कि अंदर कीजिए, वैसे अपराधी को जो है ना कि सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। चलिए, तो सुरेश जी हमारे साथ थे, उनके भाई हैं और गुहार लगा रहे नीतीश तेजस्वी की सरकार से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो लोग भी नजर आए हैं उनकी पहचान पटना पुलिस कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां भी की जा रही है और सीसीटीवी में हर चीज़ नज़र आ गया। बहरहाल, अब देखना है कि 24 घंटे बीत गए मगर अब तक कोई भी पटना पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, और कितने घंटे बीतते हैं और पटना पुलिस के हाथ में कब तक ये शातिर बदमाश लगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।